नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, वोटों की बारिश गठबंधन पर हो रही है। कहा कि ये चुनाव एक महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने बिना नाम लिए शिलान्यास करने और दूसरों के काम को अपना करने की वजह से चुनाव लेट कराया है। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि 38 दलों के साथ मिलकर भाजपा ने गठबंधन किया और हमने 3 दलों के साथ ही किया, लेकिन हमें महमिलावत बोला। कहा कि ये 7 साल का हिसाब दें, 5 साल मोदी के और 2 साल योगी के। साथ ही 14 दिन में कहा कि किसानों का भुगतान करेंगे, लेकिन इन्होंने उनका भुगतान नहीं किया। कहा दिल्ली वाली सरकार चमत्कारी है, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, जानवरों ने परेशान किया तो किसानों ने सरकारी बिल्डिंगों में बंद कर दिया। आज हिसाब करने का वक्त आ गया है। मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले आए थे चाय वाला बनकर, इस बार आए हैं चौकीदार बनकर, लेकिन इस बार चौकीदार की चौकी छीननी है। नोटबंदी के बाद 36,000 व्यापारी देश छोड़कर भाग गए। कालाधन पर भी अखिलेश ने प्रहार किया, भ्रष्टाचार के नाम पर भी किया हमला। कहा हमने 102, 108 और 100 नंबर दी, लेकिन बाबा ने इसे खराब कर दिया। कहा कि ये काम रोकू सरकार है। अपनी मार्कशीट ले 10वें 12वें की और दौड़ के दिखा रहे हैं, जो आगे होगा अपने आप भर्ती हो जाएगा, कहीं उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। हो सकते हैं मेरिट वाले खड़े हो, कुछ नए लोग ड्यूटी पे आए हो, ये मेरिट वाले भी हो सकते हैं ड्यूटी पे आए हो, ये आसान भर्ती वाले हैं। इसी तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी होनी चाहिए, चाहे फौज हो, चाहे पैरामिलिट्री, समाजवादी हो, महागठबंधन के लोग आएंगे तो वहां भी परेशानी होगी। केवल 10वां 12वां और तोड़ के दिखा देना, अपने आप भर्ती होगी। ये लड़ने जा रहे सुरक्षा कौन करता है? हमारे किसान का बेटा, ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, देश की रक्षा पर भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग। कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हमारी सीमा सुरक्षित है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे नौजवान और जवान जो वहां पर खड़े हैं, उनकी वजह से हमारी सीमा सुरक्षित है, बीजेपी की वजह से सीमा नहीं सुरक्षित है। बीजेपी धोखा दे रही है, बोलो हर बात में धोखा दिया कि नहीं दिया? आज वो 2014 में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे। आए हमें बताए लखीमपुर का कोई किसी के अच्छे दिन आए हो तो बता दो हमें। खबर समय जगत के लिए लखीमपुर खीरी से विमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।